दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज एक बार फिर से काफी सारी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज सामने आ रही है, जिसमें मेजरली अमेरिका से काफी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें अमेरिका के ऊपर भारत द्वारा लगाई गई लताड़, ट्रंप और बाइडेन की डिबेट के बाद मचा बवाल, यूनाइटेड नेशन में भारत द्वारा पाकिस्तान पर लिया गया बड़ा एक्शन, तालिबान द्वारा भारत के पक्ष में आकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, लेबनान की सुरक्षा को लेकर भारत की एंट्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस विजिट से पहले 2,00,000 करोड़ की न्यूक्लियर डील की खबर, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर लेबनान से सामने आ रही है। दरअसल लेबनान के इसराइल के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत के साथ अमेरिका ने भी एडवाइजरी को जारी कर दिया है। भारत ने अपने नागरिकों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। भारत ने कहा है कि लेबनान पर यात्रा करने पर नागरिक फिर से विचार करें। रूस के एम्बेसी ने भी अपने लोगों को लेबनान की यात्रा से परहेज करने के लिए कहा है। भारत की एम्बेसी ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए भारत के लोग सावधानी बरते। भारत ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, इसके साथ ही ईमेल भी जारी कर दी गई है। बता दें कि लेबनान और इसराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लेबनान का उग्रवादी समूह हिजबुल्ला इसराइल में मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। इसराइल भी दूसरी ओर लगातार जवाब दे रहा है। अमेरिका ने भी इसी बीच अपने नागरिकों को सुरक्षा बरतने के लिए कहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल जल्द ही लेबनान के ऊपर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के सूबे के बलूचिस्तान के गृह मंत्री जिया उल्ला लंगो ने भारत पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तान में मिलकर हमले कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारत इसके लिए उन्हें पैसे दे रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री ने ये आरोप भारत पर लगाए। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने TTP के नसरुल्ला को गिरफ्तार किया। इसी के बाद नसरुल्ला के वीडियो बयान को देखने के बाद गृह मंत्री ने बिना कोई सबूत के ही आरोप लगाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत के बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद के पीछे कोई आतंकवादी देश है तो वो भारत है। लेकिन इन सब के बीच TTP ने बलूचिस्तान सरकार के दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि भारत कोई भी मदद उन्हें नहीं करता। TTP ने कहा है कि उनके अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अच्छे संबंध है और उनका BLA के साथ कोई रिश्ता नहीं है। साफ है कि इस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जिन लोगों को अपने देश में पनाह उसने कई सालों तक दे रखी थी, अब वही लोग आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं और इन सबको खत्म करने की बजाय पाकिस्तान उल्टा भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। बहरहाल उनके इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल UN में पाकिस्तान हर बार सिर्फ कश्मीर का ही राग अलापता रहता है। एक बार फिर उसने ऐसा ही किया, लेकिन हर बार की तरह उसे भारत से मुंह की खानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर खुली बहस के दौरान UN में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान के पास UN की 2 साल की अस्थायी सदस्यता है और इसी के बाद से पाकिस्तान के तेवर लगातार तीखे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाया। इस पर भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि R रविंद्र ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। भारत की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान के आरोप निराधार है, बेतुका और बयान भटकाने वाला है। पाकिस्तान अपने देश के बच्चों के साथ हो रहे अपराधों पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जिस तरह का बलूचिस्तान में इस समय प्रदर्शन हो रहा है, इससे पाकिस्तान दुनिया का ध्यान कश्मीर मुद्दे को उठाकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है और राजनीति से प्रेरित होकर ये बयानबाजी करता है। भारत ने पाकिस्तान के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत
भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने दुनिया में काफी धूम मचाई हुई है। हाल ही में भारत ने इस मिसाइल को फिलीपींस को भी दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी भी फिलीपींस को दी जा चुकी है, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल के CEO ने कहा है कि अब इस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के द्वारा इस मिसाइल को बनाया गया है। इस मिसाइल की खासियत के चलते कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। मिसाइल के स्पेशल फीचर्स ने ब्रह्मोस को देश का सबसे ताकतवर हथियार बना दिया है। अब दुनिया भी इसे मान चुकी है। 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर डील हुई। ब्रह्मोस के CEO और MD AD राणे ने बताया है कि अब अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के कई देश खरीदना इसे चाहते हैं। मिसाइल की क्षमता और नए फीचर्स ने इसे दुनिया में काफी खतरनाक हथियार बनाया है, लेकिन कंपनी के CEO ने कहा है कि ये मिसाइल को उस देश को दिया जाएगा जिसके साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत रूस के ज्वाइंट वेंचर है। मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमान से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वहीं इसकी स्पीड 3700 किलोमीटर की है। ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। हालांकि ब्रह्मोस के जिस वेरिएंट को भारत दुनिया को सप्लाई करता है वह 290 किलोमीटर का वेरिएंट है। भारत ने इसकी रेंज को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। वहीं कई बार खबरें ये भी सामने आई है कि क्या भारत आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अगर ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड आर्मेनिया करता है तो क्या भारत को आर्मेनिया को इसे देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत सरकार ने कुछ ही महीने पहले एक अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार जल्द ही 2,00,000 करोड़ रुपए का प्लान लेकर आएगी, जिसके तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे और उसी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अपडेट है कि अब ऑफिशियली तरीके से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। दरअसल भारत की न्यूक्लियर पावर कंपनी NPCIL ने भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ एक बड़ी डील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की मेधा इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ NPCIL की $1.53 बिलियन की बड़ी डील हुई है। बताया जा रहा है कि ये अब तक का न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा इतिहास में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ये NPCIL द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी डील है। भारत में कुछ ही महीने पहले इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, वहीं पर अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दे कि डील के तहत मेधा इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएंगे, जो कि 700 मेगावाट के होंगे। ये कर्नाटक के काइगा में लगाए जाएंगे, जहां पर भारत के अभी भी न्यूक्लियर प्लांट है। आपको बता दें कि भारत का एक बड़ा टारगेट है। भारत सरकार 7,480 मेगावाट से 24,480 मेगावाट बिजली को न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए बनाना चाहती है। इसके साथ ही भारत सरकार के कुछ और बड़े टारगेट है जो सरकार अचीव करना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, ग्लोबली भारत के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश अभी यही विचार कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाए या फिर नहीं। ऐसे में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए बिजली उत्पन्न करेगा। हालांकि भारत को इसमें रूस की तरफ से लगातार भारी मदद की जा रही है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अमेरिका से सामने आ रही है। दरअसल हमने कल की अपडेट में आपको ये बताया था कि अमेरिका में एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़े दावे किए, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक के धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर कई और भी आरोप लगाए। अब इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से टिप्पणी की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इतिहास की तरह ये रिपोर्ट भी अत्यधिक पक्षपातपूर्ण है। भारत ने कहा कि ये स्पष्ट रूप से वोट बैंक की सोच और निर्देशात्मक दृष्टिकोण से इंस्पायर्ड है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। भारत की ओर से कहा गया है कि ये एक तरफा रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट में कुछ बातें भारत के न्यायालय के नतीजों को भी चुनौती देती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि कुछ मामलों में रिपोर्ट में कानूनों और रेगुलेशन पर भी सवाल उठाया गया है, साथ ही उन्हें लागू करने के न्यायालय के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत ने अमेरिका की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और भारत ने इसे एक तरफा
कार्रवाई बताया है। को बता दें कि अमेरिका इस तरह की हरकतें आए दिन करता रहता है, यही कारण है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी भी उस तरह से डेवलप नहीं हुए जिस तरह से भारत और रूस के संबंध आज है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, और ये खबर भी अमेरिका से ही सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट गुरुवार को जॉर्जिया में हुई। इस डिबेट में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन के सामने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। इस डिबेट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। डिबेट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर पॉलिटिकल और साथ ही पर्सनल अटैक्स भी किए। डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को चीन का समर्थक बताते हुए मंचूरियन कह दिया। इसके अलावा बाइडेन ने भी ट्रंप पर पॉर्न स्टार के मुद्दे पर कई आरोप लगाए। डिबेट के दौरान जो बाइडेन लड़खड़ा गए जिसका ट्रंप ने मजाक भी उड़ाया। देखने वाले ज्यादातर लोगों की नजर में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुकाबले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शन बेहतर रहा। करीब 90 मिनट तक आक्रामक बहस के दौरान अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, गर्भपात और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहस हुई। देखने वाले लोगों में से 67% ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रदर्शन को बेहतर कहा, जबकि 33% लोगों ने इस मामले में बाइडेन का साथ दिया। अब दोनों के बीच अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट चुनाव से 2 महीने पहले होगी। ये डिबेट सितंबर के महीने में आयोजित की जाएगी। इस दौरान भी ट्रंप और बाइडेन आमने सामने होंगे, लेकिन अभी लोगों ने ट्रंप को बेहतर बताते हुए उनका समर्थन में वोट किया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चुनाव में ये कितने % वोटों में तब्दील होता है। वैसे दोस्तों, आप बाइडेन और ट्रंप में से किसको सपोर्ट करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।